हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा ज़ारा ऑफिशियल व्यूअर्स. कल का वीलॉग मैंने काफ़ी लेट नाइट किया था और मैंने उसकी रीज़न ये एक्सप्लेन की थी कि आई वाज ट्रैवलिंग और तकरीबन 3 बजे मैं वापस पहुंची रात को और उसके बाद मैंने वीलॉग रिकॉर्ड किया. और सफ़र कुछ ज़्यादा ही थका देने वाला था, इसलिए मैंने जो डेट है वो 3 मई के बजाय 3 अप्रैल बोल दी. मैं उसको करेक्ट करना चाहती हूँ और थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु मैसेज्ड मी कि आपने 3 अप्रैल कह दिया है. 3 मई का वो वीलॉग था यानी कल का. अब आ जाएं आज की खबरों पे. इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पीडीएम की बी टीम बन के सामने आ रहा है मुस्तकिल. इट्स नॉट अ न्यू थिंग बट ये एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है, फुटप्रिंट्स बन रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि वो मुस्तकिल ऑर्डर्स कहीं और से ले रहे हैं. सिकंदर सुल्तान राजा पे इमरान खान जो क्रिटिसिज्म करते रहे हैं उससे हट के अगर देखा जाए तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो प्रूव करता है कि वाकई वो कहीं और से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं. और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अंदर से जो लोग हैं अब उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि इंस्ट्रक्शंस कहीं और से लेते हैं. और जो एक इंस्टीट्यूशन ने अपनी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से और कॉन्स्टिट्यूशन से और जो रूल्स ऑफ द गेम हैं उनके ज़रिए से जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो नहीं हो रही. सो द क्रेडिबिलिटी ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन चैलेंज्ड इस एक साल के अंदर वो इलेक्शन कमीशन है जो कि बाकी सब कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के जो उसका असल काम है. तो इलेक्शन कमीशन ने लेटेस्ट ये किया है कि उन्होंने जो इलेक्शन की तारीख है इस पे नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है. पहले तो वो फ्लिप फ्लॉप्स करते रहे, कभी आके कहते रहे हम नहीं करा सकते इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, फिर कभी आके कहा सिक्योरिटी नहीं है, कभी आके कहा पैसे नहीं हैं. और अब उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में पंजाब और केपी में जो इलेक्शंस की डेट्स हैं उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है. वो कहते ये हैं कि 14 मई को इलेक्शंस कराना मुमकिन नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको रीलॉक करे और इसको चेंज करे डेट को. इन अदर वर्ड्स, जो अदलिया को हुक्म देना होता है या अदलिया ने डिक्टेट करना होता है उसकी तो कोई बात मान नहीं रहा, रादर इलेक्शन कमीशन अदलिया को कह रहा है कि आप डेट चेंज कर दें. मौकफ ये इख्तियार किया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल ही नहीं है. आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वह इंतखाबात के लिए तारीख दे सकें. और दरख्वास्त में उन्होंने ये भी लिखा है कि आइन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़े कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इलेक्शंस की डेट देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. मेरे लिए ये बिल्कुल एवरी डे इज अ न्यू डे एंड अ मोर सरप्राइजिंग डे इन अ बैड वे कि मुस्तकिल अदलिया को अंडर प्रेशर लाने के लिए, सिर्फ इलेक्शंस ना करवाने के लिए हुकूमत जिस तरीके से डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कर रही है ये भी उसमें से एक है. और इलेक्शन कमीशन इसमें टैग कर रहा है जो अपने आप को पीडीएम गवर्नमेंट के साथ, वो सिर्फ असल में एक शख्स कर रहा है लेकिन उससे पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम हो रहा है और पूरा इंस्टीट्यूशन सामने खड़ा हो रहा है अदलिया के. हर दिन अगर मैं ये कहूँ कि चैलेंजिंग है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आइन, कोई रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता. 3/4 ऑफ द कंट्री तकरीबन, उसमें आप पंजाब डाल लें, के पी डाल लें, उसमें कोई गवर्नमेंट ही नहीं है सिरे से जो लेजिटिमेट हो. और जो इदारा जो कि सुप्रीम है ये कह रहा है कि आप चीज़ों को लेजिटिमाइज करें, डेट दें इलेक्शन की, उसके ऊपर इंतजाम करें इलेक्शन कराने के, उसको मुस्तकिल डिफाई किया जा रहा है. सो मच सो कि आज नेशनल असेंबली में एक दफ़ा फिर बहुत बुरे ऑप्टिक्स थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड पीडीएम जिस तरीके से अभी तक चली है हिस्ट्री उसकी यही है कि वो मुस्तकिल डिफाई कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को. और आज तो जो प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल के केस में जो कल से जिसकी हेयरिंग स्टार्ट हुई है उसमें जो नेशनल असेंबली से रिकॉर्ड तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का अगर कलेक्टिव स्टैंड में कहूँ तो वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत कैसे हुई है कि वो कौमी असेंबली का रिकॉर्ड तलब करे. और एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट के फ्लोर से उनको ये कहा गया है कि हम आपको डिफाई करेंगे. और मज़े की बात यह है कि नूर आलम खान, जिनका नाम शायद जब भी लिया जाएगा तो हमें डिफेक्टर्स याद आएंगे, वो लोग याद आएंगे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, वीडियोस में अपने आप को सिंध हाउस में नोटों में घिरे हुए पाया और उस पर उनको कोई शर्म नहीं थी, वो आज भी असेंबलीज में बैठे हुए हैं. तो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनको नूर आलम खान ने तलब किया है कि वो आएँ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आकर जवाब दें कि उन्होंने कैसे ये रिकॉर्ड मांगा है सुप्रीम कोर्ट से.
उसके अलावा द रीज़न वाई नूर आलम खान हैज़ कॉल्ड द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसके वो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर रजिस्ट्रार ने स्टे लिया तो मैं वारंट दोबारा इशू करूंगा, यानी एक दफ़ा वारंट तो मैं इशू करूंगा ही उनके ना आने पे, अगर वो उस पर स्टे ले लेते हैं तो मैं दोबारा वारंट जो है वो इशू करूंगा। ये क्या है? दिस इज़ मसल फ्लेक्सिंग, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट कि हम पार्लियामेंट के जरिए से आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मान लेंगे। और बात क्या मनवानी है? बात ये मनवानी है कि किसी तरह सितंबर तक इलेक्शंस की डेट आगे ले जाई जाए या ना दी जाए और 14 मई की डेट वापस ली जाए, ताकि सितंबर में जब उनकी मर्जी के चीफ जस्टिस आ जाएं तो फिर अपनी मर्जी से वो गवर्नेंस को, इस मॉडल को, केयर टेकर सेटअप्स को जैसे बनाना चाहें वो अपनी मर्जी से लेके चल सकें। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब 12 सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने ये वाजे किया है इन रिटन फॉर्म कि हमने मैक्सिमम लचक दिखाई है और हमने सेम डे पूरे मुल्क में इलेक्शंस कराने पे एग्री किया है, लेकिन वी हैव नॉट बीन एबल टू एग्री ऑन अ डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ऑल द असेंबलीज एंड द नेशनल असेंबली। और अगर उसको जहन में रखा जाए तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि कोई लॉजिकल एंड पे हम ये जो 3 राउंड्स हुए ऑफ द पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन पीडीएम एंड पीटीआई उसमें कामयाब नहीं हो सके। अभी तक हुकूमत कामयाब नज़र आ रही है इन ऑल पॉसिबल वेज अदलिया को प्रेशर में लाने के लिए। अब ये 3 मेंबर बेंच क्या करता है, इस पे सारी कौम की नज़रें हैं। वी आर ऑल वेटिंग कि इनकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है। और अब जब इलेक्शन कमीशन भी सामने खड़ा हो गया है कि आपको तो इख्तियार ही नहीं है इंतखाबात की डेट देने का, तो दिस इज़ हाई टाइम टू पुट द फुट डाउन, और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि उनको इख्तियार है कि वो फैसले दे सकें जिसमें आईन की वायलेशन हो रही हो, जिसमें वो इंश्योर करें कि वो वायलेशन ख़त्म हो, और जो वो वायलेशन कर रहा है उसको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन उनको तो सज़ाएँ नहीं हो रही। अलबत्ता इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया है और यह कहा है कि अगर वो नहीं पेश होते तो उनकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है अगर सबके लिए रूल ऑफ लॉ को बराबर किया जा रहा है, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो। उनकी टांग में कोई स्वेलिंग हुई है, पाँव में कोई स्वेलिंग हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है अदालत में कि वो शायद ना आ सकें, तो उस पर उन्हें कहा गया कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से अपना चेकअप कराएं, शौकत खानम से ना कराएं, यानी उनकी रिपोर्ट्स को भी डाउट किया जा रहा है। तो दिस ऑल सीम्स वेरी ट्रू, ऐसा ही होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे कोई वज़ीर आज़म हो चाहे आम आदमी। बट एक वजीर आजम इस मुल्क से भागा भागी है, ही इज एन एब्सकॉन्डर, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। उसके प्लेटलेट्स मैनेज करने में पूरी स्टेट मशीनरी ने जो रोल प्ले किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और वो एब्सकॉन्डर बाहर से बैठ के इस मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, और उसके कंट्रोल करने के मैकेनिज्म्स हमें रोज सामने नजर आते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट भी उसका मैकेनिज्म है, इस वक्त जुडिशरी पे जो टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं वो भी उधर से ही इनिशिएट हो रहे हैं। सो ये किस किस्म का अदलिया का निज़ाम है, इसमें एक शख्स जो है उसको तो कहा जाता है आप कल तक लाजमी आए नहीं तो आपकी जमानत कैंसिल हो जाएगी, और उसी कैलिबर का एक और शख्स जो बाहर भागा हुआ है उसको कभी आज तक ना इस तरीके से किसी अदालत ने स्क्रूटनाइज किया, ना उसके भाई ने जो गारंटी दी थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ना उसको कुछ पूछा बुला के कि वो कहाँ हैं और क्यों वापस नहीं आए। रादर इस मुल्क का सिस्टम और इस मुल्क का शाही निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि उसी शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो हैट्स ऑफ एंड आई सलूट द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द लोअर कोर्ट्स, ऑल द जस्टिसेस, कि आप लोग टूल हैं इन द हैंड्स ऑफ द करप्ट एलीट, और उनकी मर्जी के फैसले देने पे इतने मजबूर हैं कि आपको नज़र नहीं आता कि लोगों को नज़र आ रहा है, और आप लोगों को शायद पब्लिक में जाना नहीं पड़ता है, इसलिए यू डोंट नो हाउ पीपल आर थिंकिंग एंड लुकिंग एट यू। एट द सेम टाइम जो एक सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन है परवेज़ इलाही पे वो जारी है, उनको एक दो केसेस में ज़मानत मिल गई है, अबूरी ज़मानत, बट एट द सेम टाइम उनके जो मशीर थे जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तारिक जमान गुजर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो उस्मान बुज़दार हैं उनको भी एंटी करप्शन वाले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है। मुराद सईद को हम सब जानते हैं, वो भी अंडर थ्रेट फील कर रहे हैं। सो एक बड़ा सेलेक्टिव किस्म का सिस्टम इस वक्त ऑपरेटिव है इस मुल्क में, और यही कहा जा सकता है कि पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा तरीका होगा जिस दिन चीज़ें ऑर्डर में आना शुरू हों। इन द एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आज इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे था,
और पूरी दुनिया में इसे मनाया गया और इस सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद में अरशद शरीफ की याद में एक तकरीब रखी गई जिसको होस्ट वो लोग कर रहे थे जो उनके मुल्क से भागने पे उनका मजाक उड़ा रहे थे और जिस दिन तक उनकी डेड बॉडी इस मुल्क में वापस नहीं आई थी उस दिन तक वो पेश पेश थे ये कहने में कि ना तो उनको कोई थ्रेट थी और ना उनको मुल्क से भागना चाहिए था और ना ही वो कोई शहीद हैं। इन अदर वर्ड्स उनकी वफात तक उनका मजाक उड़ाया गया, उनके थ्रेट लेवल तक का मजाक उड़ाया गया इस मुल्क में ये बताने के लिए कि आप थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, अगर आप दुनिया से भी चले जाएं उसके बाद भी आपका मजाक बनाया जाता है और वही लोग बाद में होस्ट भी करते हैं आपके विजिल को, आपके लिए एक मेमोरियल डे को, और उसमें कुछ लोगों ने रिएक्ट भी किया, जिन लोगों ने रिएक्ट किया उनको बाहर निकाल दिया गया। यानी एक जिस तरह हम एलीट कैप्चर की बात करते हैं अपने पॉलिटिकल लीडरशिप में या अपने एक नेशनल कैनवस पे, उसी तरह अनफॉर्चुनेटली जर्नलिज्म भी एक इलिटिस्ट ग्रुप बन चुका है और वो इलिटिस्ट ग्रुप जब उसका दिल करता है वो चीज़ों को किसी भी सिम्त में मोड़ देता है और उसके स्टेक्स अलाइंड होते हैं विद पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज और दे नो इट कि लोग उन्हें जानते हैं, उनका टिल्ट बड़ा वाजे है, बट उसके बावजूद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रादर दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द जर्नलिज्म इन पाकिस्तान और उन्हीं को चैनल्स हायर भी करते हैं, उन्हीं को टॉप स्लॉट्स भी दी जाती हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देती है और उन्हीं को सराहा जाता है और अवार्ड्स दिए जाते हैं, अनफॉर्चुनेट थिंग। और जो लोग वाकई काम कर रहे हैं, जो वाकई सर्विस कर रहे हैं जर्नलिज्म की फॉर्म में, रियल जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एहतजाज करें तो आज जिस तरह इन लोगों को निकाल दिया गया उनको भी निकाल दिया गया। तो हमने ये सीखा है कि जितनी करप्ट हमारी पॉलिटिकल इलीट है उतनी ही करप्शन जब मौका मिलता है किसी भी कैडर ऑफ सोसाइटी को, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, वो भी ये साबित करते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो अपने लिए पर्सनल गेन्स के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। बहरहाल इट्स अ शेमफुल डे फॉर द प्रेस फ्रीडम इन पाकिस्तान। पैका एक्ट जिसके ज़रिए से जर्नलिस्ट के ऊपर ऐसी ऐसी कदगने लगाई गई हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सब नवाज शरीफ के दौर में इनिशिएट हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट में भी उसे इंडोर्स किया गया। तो जब कोई गवर्नमेंट में होता है वो चाहता है कि जर्नलिस्ट ना बोलें, जब वो गवर्नमेंट से बाहर होते हैं यही जर्नलिस्ट उनको सपोर्ट भी करते हैं। सो इट्स अ थैंकलेस जॉब बट वी कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज वी फील कमिटेड टू इट। हमारा काम है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना और लोगों को सच बताना। सो अपनी कैपेसिटी में जब तक हम ये सब कर सकते हैं हम करते रहेंगे। वी नीड योर सपोर्ट फॉर दैट। हम लोग जो स्पेशली यूट्यूब पे हैं लोग, और स्पेशली जो लोग ट्विटर पे हैं, जो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, दे आर नॉट फंडेड एट ऑल। इनके पास कोई बड़े बजट्स नहीं होते, ये आपको इन्फॉर्म्ड रखने के लिए बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं। सो ऑन द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जिन जर्नलिस्ट को आप समझते हैं वो क्रेडिबल हैं और वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू देयर चैनल्स एंड देयर सोशल मीडिया नेटवर्क्स, बिकॉज उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई विल सी यू टुमारो।